इस वक्त देश और ख़ास तौर से किसान कौमें बहुत कठिनाई से गुजर रही हैं। अगर दिल्ली में बैठे हुए लोगों का बस चला तो वो सबसे पहले तो खेती को ख़त्म कर देगी, ताकि आप खेती छोड़ के शहरों में भाग लो मजदूरी के लिए, और उसके बाद फौज को ख़त्म कर देगी। एक तरह से किसान कौमों को बर्बाद करने का नक्शा पास हुआ है। इस पे लड़ना पड़ेगा, और जो लोग लड़ेंगे वो बचेंगे। एक बार हमारे गांव के पास शिवाजी महाराज के गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास, वो आ गए थे। 4-5 दिन उनको रहे, उन्होंने प्रवचन दिया, और आखिरी दिन उन्होंने चौधरी लोगों से पूछा कि भाई बताओ, मैं 5 दिन से तुम्हारे बीच में बोल रहा हूँ, तुमने क्या सीखा? एक चौधरी खड़ा हो गया, जी हमने ये सीखा कि जो कौमें रुख का रोला करेंगी वो जिंदा रहेंगी, यानी जो लोग लड़ेंगे वो जिंदा रहेंगे। मैं आपसे कहने आया हूँ कि लड़ने की आदत डालिए और लड़ने का फैसला कीजिए। ये जो अभी मील साहब ने कहा कि किसान आंदोलन धरना खत्म हुआ है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है, चूँकि हमारी मांगे वहीं की वहीं हैं। जो MSP की मांग है, उसके बिना तो हमारा गुजारा नहीं है, चूँकि हम जितनी चीज़ें पैदा करते हैं उनका दाम बढ़ता नहीं है, जितनी चीज़ें खरीदते हैं उनका दाम बढ़ता है, और नतीजा ये है कि किसान हर दिन गरीब हो रहा है, उसकी खरीदने की ताकत ख़त्म हो रही है। मैं कॉलेज में पढ़ता था तो शाम को हम खाना खा के हॉस्टल से घूमने जाते थे, एक कब्रिस्तान में एक कव्वाल कव्वाली गाता था, तो उस कव्वाली को मैं खड़े होकर सुनने लगता था। उसमें एक शेर गाता था जो मैंने समझा ये हमारे लिए गा रहा है। उसका था कि खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, खंजर पे कोई छींट ना कपड़ों पे कोई दाग, तू कत्ल करे है कि करामात करे है। ये सरकार भी उसी तरह से किसानों का कत्ल कर रही है, उसे ये पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। भाइयों, मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आप धरनों पे बैठते हो, मांग करते हो, इसको छोड़ो। आप ऐसी स्थिति पैदा करो कि लोग तुमसे मांगे, बजाय इसके कि आप सरकारों से मांगे, और वो तब होगी जब आप दिल्ली में सरकार को बदल दोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस बार अगर आपने एकता दिखाई, जात पात को छोड़ के इकट्ठा रहे, तो दिल्ली में इनको कोई बचा नहीं सकता है। मैंने सारी पार्टियों के लोगों से बात की है, सब इस बात पे राजी हो गए हैं, एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो ये दिल्ली में बचेंगे नहीं, और अगर ये बच गए तो एक बात समझ लो, फिर आप नहीं बचेंगे। ये आखिरी मौका है हम लोगों के लिए कि हम अपने पेशे को, अपनी ज़मीनों को, अपने बच्चों को बचाएं। मैं बहुत लंबा भाषण नहीं देना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश बहुत गलत आदमी के हाथ में है। जब ये अभी मैं बोला था, 4-6 दिन पहले बड़ा शोर हो गया देश में, इन्होंने बड़ा तमाम तरह के लोग वो पालतू जो हैं वो लहका दिए मेरे ऊपर। मैंने ये बताया था जो सच था, उसी वक्त बताया था जब मैं ये था गवर्नर था, कि जो वहाँ पुलवामा में जो अटैक हुआ हमारे सिपाहियों पे, 40 लड़के मरे हमारे जवान, वो नहीं मरते अगर ये उनको 2 हवाई जहाज दे देते, 5 हवाई जहाज। वो लड़के अगर मेरे से मांग लेती CRP तो मैं 5 हवाई जहाज दे देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने वो उनको हवाई जहाज नहीं दिए और वो सड़क के रास्ते चल दिए। उस सड़क के रास्ते में मैं गया जिस दिन ये दुर्घटना हुई, उसके बाद उसमें 10 किलोमीटर के एरिए में करीब 10 जगह सड़क आके मिलती है, उस पे एक जिप्सी भी खड़ी थी किसी को रोकने के लिए, कोई भी आ सकता था। तो आया, भरी हुई गाड़ी थी विस्फोटक की, और एक गाड़ी में मार दी और हमारे 40 जवान शहीद हो गए। ये कहीं अपनी शूटिंग करा रहे थे, उसमें नेशनल कॉर्बेट पार्क में, UP में है वो,
तो वहाँ टेलीफोन की सुविधा नहीं होती है, तो इन्होंने बाहर आके मुझे एक ढाबे से फ़ोन किया और पूछा कि सतपाल भाई क्या हुआ। मैंने इनको बताया कि साहब ऐसे ऐसे हो गया, इतना हमारा नुकसान हो गया है और ये हमारी गलती की वजह से हुआ है, अगर हम जहाज दे देते तो ये हमारे बच्चे नहीं मरते। तो इन्होंने मुझे कहा कि नहीं नहीं अभी इस पर चुप रहो, इस पर अभी चुप रहो। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है जिसका नाम आपने सुना होगा अजीत डोभाल, वो मेरा क्लास फेलो रहा, कानून की क्लास में हम साथ पढ़ते थे, उसका मुझे फ़ोन आया फौरन कि प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं आप बोले नहीं। चूँकि मैं बोल दिया था, मैं दो तीन चैनल को ये बता सक चुका था कि हमारी गलती से ये हुआ है, कि वो ये कह रहे हैं कि इस पर तुम चुप रहो। मैं समझ गया था कि अब इसका ये पूरा राजनीतिकरण अपने चुनाव के लिए करेंगे, जो मर गए वो भाड़ में जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। और आज तक उस पूरे मामले की कोई जांच नहीं हुई है, कोई उसका नतीजा नहीं आया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने खतरनाक लोग देश चला रहे हैं, जिनको अपने सिपाहियों की जान से हमदर्दी नहीं है, जिनको अपने देश से हमदर्दी नहीं है, और बात लंबी चौड़ी करते हैं, मन की बात करते हैं, कभी तन की बात करते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत हो गया, अब संभल जाओ, और अब नहीं संभलोगे तो हमारी तो अब उम्र लंबी हो गई, चले जाएंगे, लेकिन आपकी पीढ़ियाँ याद करेंगी कि कभी आपने गलती की थी और एक ऐसी सरकार को बने रहने दिया था जिसने आपका सब बर्बाद कर दिया, खेती भी, फौज भी, नौकरियाँ भी। तो मैं आपसे, और मैं आऊँगा इलेक्शन में भी आऊँगा, जो भी आपका आदमी लड़ेगा उसके लिए। मैं तो, मेरे पैर में बहुत तकलीफ है, लेकिन फिर भी मैं घूम रहा हूँ, महीने में कम से कम 10 पब्लिक मीटिंग करता हूँ, सब जगह जा रहा हूँ, सबसे बात कर रहा हूँ, और मुझे ये कामयाबी मिली है कि सब इसके लिए राजी हो गए हैं कि एक उम्मीदवार के मुकाबले एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे। और अगर ये हो गया तो मैं आप आश्वस्त कर दूं कि ये बचेंगे नहीं, इनकी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी, ये जो आज इनका घमंड है ये सारा चूर चूर हो जाएगा। सब सहमत हो गए हैं, सारी पार्टियां सहमत हो गई। मैं बहुत लंबा भाषण कर दिया, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये मौके रोज नहीं मिलते हैं, ये मौका अभी फिर तो 5 साल को बाद जाएगी, और 5 साल में तो ये इतनी बर्बादी कर देगा कि आप अंदाज भी नहीं कर सकते। 5 साल में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो मैं काफ़ी आपका समय लिया, अभी मैं इतना ही असली चीज़ तो मैं बोल ही नहीं रहा था, वो थी यहाँ के शहीदों की कुर्बानी। आपके जो 5 लोग शहीद हुए थे वो अंग्रेजों की बंदूकों के सामने खड़े हो गए थे। जब उनकी औलाद हो तो इससे क्या डरने की जरूरत है, ये तो कोई चीज ही नहीं है। उनसे सीखो, उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया आपके लिए, और आज उनको तो इसमें शंभू सिंह जी भूखर थे, तुलसा राम जी भूखर थे, टीकू राम जी सिंह लगा दो अब इनके आगे, राम नहीं थे, चेता जी भूखर थे, आशा राम जी पिलानिया थे, चौधरी छोटू राम ने सीकर में एक महायज्ञ किया था, उसके बाद लोगों में चेतना आई थी, लोग खड़े हो गए थे, अपने नाम के सामने सिंह लिखने लगे थे, लेकिन सामंती ताकतों को वो गवारा नहीं था। इन 5ों ने वो नाम भी लिखा और लगान के मामले में ये संगीनों के सामने खड़े हो गए, मारे गए, इसलिए हम इनका आज जन्मदिन मना रहे हैं, और उसी दिन से सब मना रहे हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी भी मनाती रहेगी, चूँकि उन्होंने काम ही ऐसा किया था। तो आपसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि आप भी, अब तो संगीने भी नहीं हैं, मैं अभी 4 दिन पहले हरियाणा की खापें आई थी, मुझे खापों के चौधरी धन वो करने आए थे धन्यवाद, उनको कहीं से सुन गया था कि सीबीआई ने मुझे बुलाया है, तो मैंने उन्हें समझाया कि मुझे नहीं बुलाया, सीबीआई मेरे यहाँ आ रही है बात करने, और वो मेरी जांच नहीं कर रही है, बल्कि जो मैंने बताया था कि कहीं
150 करोड़ रुपए की रिश्वत ली जा रही थी उसकी जांच करने आ रही है, उस सिलसिले में मुझसे बात करेगी। तो उन लोगों को ये पता चल गया तो वो आए, मेरा घर 2 कमरे का है, वो भी किराए का। तो मैंने उनको एक पार्क में उनका खाना बनवाना शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री के यहाँ से आदेश हुआ और पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा कि साहब यहाँ खाना नहीं बनेगा, ये पब्लिक प्लेस है, DDA की ज़मीन है। मैं कहीं यहाँ नहीं बनेगा तो मेरा तो घर है नहीं, मैं तो थाने में ही बनेगा, फिर चलो भाई। तो हम थाने पे जा चढ़े और 2 घंटे के अंदर अंदर फिर आदेश बदल गया। फिर उन्होंने कहा हमने किसी को गिरफ्तार नहीं किया है, सब फ्री हैं, खाना खा के जा सकते हैं, वहीं खाना बना खाया और चले आए। तो अगर अड़ जाओगे, अगर हिम्मत कर लोगे तो कोई आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है किसी से। आप अपना हौसला रखिए, एकता रखिए, जातियों का इकट्ठ रखिए, इसमें ये जात और वो जात मत करिए, तो आप कामयाब होंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं बहुत लंबा हो गया, इसी के साथ मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि इतनी गर्मी में भी आप आए। मुझे दिल्ली जाना है, किसी कोई मीटिंग है शाम की, तो मैं अभी निकलूंगा और स्वामी जी महाराज के भजन से वंचित रहूंगा, उनसे माफ़ी मांग के जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।